दोस्तों, बॉलीवुड का वो इंटरेस्टिंग गाना तो आपने सुना ही होगा, लगे 440 वोल्ट सोने से तेरे। तो इस गाने में 440 वोल्टेज की सप्लाई को यूज में लिया गया है, 220 वोल्टेज की सप्लाई को यूज में नहीं लिया गया। तो क्या अंतर होता है 220 वोल्टेज सप्लाई में और 440 वोल्टेज की सप्लाई में, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, क्योंकि गाने का जो असली मतलब है वो भी आपको तभी क्लियर होगा तब आपको इन दोनों वोल्टेज में डिफरेंस पता होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। होता क्या है कि जो कभी भी आप अपने घर के पास लगे बिजली के खंभे देखोगे तो उसमें आपको इस चार तरह के जो वायर हैं वो जाते हुए दिखेंगे। ये जो चार वायर्स होते हैं इसमें से तीन वायर तो आपके फेज वायर होते हैं, और एक वायर जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल वायर। तो ये तो हम जान गए कि हमारे घर के पास जो भी खंभे लगे हैं उसमें चार वायर सिस्टम जो है वो जा रहा है। लेकिन ये चार वायर सिस्टम आया कहाँ से? ये जो हमारे खंभों पर सप्लाई भेजी जा रही है इन चार टायर में, ये जो तार है ये आए कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब कभी भी हमें बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर हम यूज में लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर वहां भी लगाया जाएगा जहाँ से बिजली को ट्रांसफर करा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर वहां भी लगाया जाएगा जहाँ पर बिजली रिसीव हो रही है। तो ये जो रिसीविंग एंड होता है ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, जो कि आपके घर में बिजली भेजते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं वो होते हैं आपके डेल्टा टू स्टार कनेक्शन वाले, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर की दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है। अभी जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है इसी वाइंडिंग में से हमें ये जो चार वायर है वो देखने को मिलते हैं, और इन्हीं चार वायर को हमारे घर की जो सप्लाई है उन तारों पर उन खंभों पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने एक फिगर बनाई है यहाँ पर भी आपको ये जो चार वायर सिस्टम है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो आपको स्टार कनेक्शन है कहाँ से आया, ये आया आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से। अब होता क्या है कि जो भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इसमें से तीन फेज निकल रहे होते हैं, एक आर फेज है, एक हमारे पास वाई फेज है, एक हमारे पास बी फेज है, और एक हमारे पास है न्यूट्रल। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का। बेसिकली फेज वोल्टेज जिसे हम वीपी से कहते हैं, और एक होती है हमारे पास लाइन वोल्टेज जिसे हम VL कहते हैं। फेज वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर करी जाए। फेज वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर करी जाए। फेज वोल्टेज एक वो वोल्टेज है जो कि किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर करी जाए। तो फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि अगर हम न्यूट्रल के साथ किसी भी एक फेज को मेजर करें तो हमें वहां पर फेज वोल्टेज मिलती है जो कि वैल्यू में होती है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। अब ये लाइन वोल्टेज क्या होती है? लाइन वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जो कि किसी भी दो लाइन के बीच में मेजर करी जाती है। लाइन वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जो कि किसी भी दो लाइन के बीच में मेजर करी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या अंतर है। लाइन वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जो किसी भी दो फेजेस के बीच में मेजर करी जाती है और जिसकी वैल्यू होती है 440 वोल्ट। फेज वोल्टेज की वैल्यू होती है 220 वोल्ट। अब जो आपके घर में सप्लाई भेजी जाती है वो आप समझ चुके हैं कि वो आपके घर में जो भेजी जा रही है वो फेज वोल्टेज भेजी जाती है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई वो सप्लाई है जिसमें कि एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे घर में दिया जाता है, जिसमें कि एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे घर में दिया जाता है। फेज के थ्रू करंट हमारे घर में जाता है, पूरे घर में घूमता है, न्यूट्रल के थ्रू वो वापस आता है। तो इस तरह से एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली नीचे वाले घर में भी आप देखिए, नीचे वाले घर में मैंने वाई फेज दिया है और एक ब्लैक फेज से मैंने इस करंट को वापस लिया है, मतलब जो न्यूट्रल है उससे हमने वापस लिया है। तो इस घर में भी एक 220 वोल्टेज की फेज वोल्टेज दी जा रही है जो कि 220 वोल्टेज है। अब मान लीजिए कि मेरी गली में एक खाली प्लॉट था, उस खाली प्लॉट पर आपने कब्जा कर लिया और एक बढ़िया सी कोठी बना दी, ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपका घर बन गया तो उसमें सप्लाई चाहिए। अब आप गवर्नमेंट के पास गए, वहां से आपने मीटर के लिए रिक्वायरमेंट दी, वहां से एक सर्विसमैन आए। तो वहां पर हुआ क्या, ये जो सर्विसमैन था वो खंबे पर चढ़ा, उसने क्या करा कि देखा कि इस वाले खंबे इस वाले तार पर तो तीन चार घर पहले से है, पीले वाले तार पर भी तीन चार घर पहले से है, तो इन नीले वाले तार पर कोई भी घर नहीं है। तो उसने क्या करा, इस नीले वाले तार में से एक फेज आपके घर में दे दिया और जो आपके घर से एक वायर वापस गया होगा उसको इस ऐसे करते हुए इस न्यूट्रल को दे दिया। तो इस तरह से जो हमारी फेज वोल्टेज है घर पे दी जाती है जिसे 220 वोल्टेज कहते हैं, और फेज वोल्टेज हमारे घर में दी जाती है। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे घर में फेज वोल्टेज दी जाती है। फेज वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि 220 वोल्टेज की सप्लाई पर वर्क करती है। अब हम बात करते हैं लाइन वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज क्या होती है? ये जो 440 वोल्ट का झटका है उसे क्यों लग रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि लाइन वोल्टेज एक वो वोल्टेज है जो कि किसी दो फेज के बीच में भेजी जाती है जिसकी वैल्यू होती है 440 वोल्ट। तो आपने सुना होगा कि थ्री फेज की जो मोटर्स होती हैं आपके घर में, जो बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं कंपनीज में जो कि थ्री फेज पर ही वर्क करते हैं,
तो 3 फेज पर जो वर्क करते हैं उस वोल्टेज को चलाने के लिए जो सप्लाई भेजी जाती है वो होती है आपकी लाइन वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 440 वोल्ट। इसमें मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं कि मैंने आर फेज भी दिया, वाई फेज भी दिया और बी फेज भी दिया। तो इन तीनों फेज से इस मोटर को चलाया गया, इसे कहते हैं 3 फेज की सप्लाई। तो 3 फेज की सप्लाई में हमने करा क्या कि इन तीनों फेज को देने के बाद यहाँ पर जो मैंने एक न्यूट्रल पॉइंट भी दे दिया, जो भी इन 3 फेज से करंट जाएगा वो इस वायर के थ्रू वापस आएगा। इस तरह से जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा और जो आपकी 3 फेज की मोटर है वो रनिंग कंडीशन में आएगी। सिंगल फेज और 3 फेज की सप्लाई में क्या अंतर होता है, सिंगल फेज की सप्लाई 220 वोल्टेज पर वर्क करती है, 3 फेज की सप्लाई 440 वोल्टेज पर वर्क करती है। जो उस गाने में उसे जो झटका लगा था वो 440 का नहीं लगा, क्योंकि जो उसने लाइन पकड़ी थी वो किसी भी 2 फेज के बीच की जो उतना वायर थी वो पकड़ी थी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होते हैं, 220 वोल्टेज की सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज की 440 वोल्ट की सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, ये आप समझ चुके होंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि ये जो सप्लाई है कहाँ से जनरेट होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है वहां से ये जो सप्लाई है वो जनरेट की जाती है। तो इस तरह से जो आपका एक सिस्टम है वो वर्क करता है, इस तरह से जो आपकी सप्लाई है वो होती है। आई होप वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एनहेंस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइड्स।